राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर टीवी 9 पीपल्स इनसाइड पोल स्ट्रैट का मेगा ओपिनियन पोल जारी है और अब वक्त हो चुका है उन राज्यों की बात करने का जिन पर सारे देश की निगाहें हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल बस आपके सामने आने ही वाला है। जी हाँ, और सवाल है कि देश के 15 राज्यों में 6,700 किलोमीटर की न्याय यात्रा क्या इंडिया के लिए माहौल बना पाएगी? इस सवाल का जवाब देने के लिए आज हम राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के रूट का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। अभी तक हम 32 सीटों का ओपिनियन पोल दिखा चुके हैं और अभी 89 में बाकी सीट जिसमें यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं उनका ओपिनियन पोल बस अब आपके सामने हम रखने वाले हैं। और इस बीच अगर आप अपनी लोकसभा सीट का हाल जानना चाहते हैं तो हम आपको एक नंबर दिखाएंगे स्क्रीन पर, उस नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे पोल एक्सपर्ट आपको आपकी सीट का ओपिनियन पोल लाइव बताएंगे कि आखिर आपकी सीट का ओपिनियन पोल अभी क्या कहता है। जी हाँ, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, जी हाँ ये बहुत अहम प्रदेश है, यहाँ से गुजरी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो क्या हुआ है उसका असर? टीवी 9 भारतवर्ष आपको जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है वो उन 89 सीट का एक बार फिर से बता दें जहां जहां से गुजरी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बस अब आपके सामने आने ही वाला है, ओपिनियन पोल क्या कहता है। देखिए ये है आंकड़ा आपके सामने अब उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की 26 सीटें प्रभावित होती हैं उस जगह से जहां से गुजरी है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें बीजेपी प्लस को 25 और इंडिया गठबंधन को एक सीट मिल रही है, यानी बीजेपी को ही है बड़ा फायदा। यहां पर भी इंडिया गठबंधन को एक ही सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कुल 26 सीटें जो प्रभावित होती हैं उस रास्ते से जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी है। बिल्कुल, फैजाबाद से अमरनाथ मिश्रा, देखिए यूपी का ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा का और फैजाबाद से फोन भी आ गया। फैजाबाद से राहुल यहां पर सवाल पूछ रहे हैं, अमरनाथ मिश्रा सवाल पूछ रहे हैं, बताइए शिव फैजाबाद का क्या कहता है पोल, आपका ओपिनियन पोल। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन अब देखिए हमारे पास 58 सीटों का ओपिनियन पोल आ चुका है 89 में से, 89 कुल सीटें जहां से 89 सीटों का ओपिनियन पोल हम दिखा रहे हैं जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुजरी और 58 में से 50 यहां पर हाफ सेंचुरी हो चुकी है एनडीए की और 7 सीटें सिंगल डिजिट में केवल यहां पर दिख रहा है इंडिया और एक सीट अदर्स। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी है। और अब आगे बढ़े उससे पहले ये एक सीट जो मिल रही है उसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो एक सीट मिल रही है उत्तर प्रदेश में ये कौन सी सीट है जहां से राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुजरी, क्या हम वो बता सकते हैं? ये रायबरेली की सीट है। हमारे साथ मेहमान अतुल पाटिल जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ नलिन कोहली बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, राजेश जोशी और समीर चौगांवकर जी यहां हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन नलिन देखिए हम जो सीटें दिखा रहे हैं उसमें 58 सीटों का आंकड़ा हम अभी तक दिखा चुके हैं, 89 सीटों से गुजरी है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन 50 सीटें एनडीए को मिलती दिखाई दे रही हैं, 7 इंडिया गठबंधन को और 1 अन्य के खाते में, यानी बहुत प्रभाव होता दिखाई नहीं दे रहा, इसके पीछे आपको क्या वजह लगती है नलिन? आपको आवाज मिल रही है? आपकी आवाज टूट गई, अब आ रही है, बताइए क्या पूछा सुमेरा जी? जो ओपिनियन पोल है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की 89 सीट्स जो कवर की राहुल गांधी ने उसमें हम ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 26 सीटें हैं जहां से वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले और उसमें से 25 सीटें जा रही हैं बीजेपी या एनडीए के खाते में और एकमात्र रायबरेली की सीट कांग्रेस बचा पा रही है। क्या कहना है आपका, भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जादू चला नहीं, क्या हुआ? पहली बात मुझे समझ नहीं आता कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो की बात करते हैं और स्वयं सोशल मीडिया पे बहुत से उनके वीडियो मिलेंगे जहां उन लोगों के साथ वो संगति में जो भारत तोड़ो की बात करते हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाए। तो राहुल गांधी जी जहां मर्जी यात्रा निकाले उनका अधिकार है, लेकिन आज के युग में जब कोई चीज़ छिपी नहीं रहती तो ये प्रासंगिक हो जाता है किसी भी व्यक्ति के लिए देखने के लिए कि आपकी कथनी और करनी में कितना गैप है। तो राहुल जी यदि भारत तोड़ो वाले लोगों के साथ जुड़ेंगे और फिर भारत जोड़ो की बात करेंगे तो पहले जोड़ने की बात तो उनको करना पड़ेगा उनके साथ जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, बाकी तो देश जुड़ा हुआ है, देश कोई विभाजित थोड़ी ना है। अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश में आप कह रहे हैं 25 सीटें भाजपा को है। अब मेरा प्रश्न ये उठेगा, सोनिया गांधी जी जिनकी पारिवारिक सीट रही है रायबरेली, वहां से उन्होंने अब अपना एक प्रकार से मन बना दिया है कि वो खड़ी नहीं होंगी,
क्योंकि वो राज्यसभा में आ गए। अब इसमें ये प्रश्न उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 26 के 26 सीटें भाजपा की के सामने आएंगे, क्यों? और इसमें बड़ा सवाल है, क्यों आ रही हैं सीटें? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है करती है। नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्रधान सेवक है जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, जो और दूसरी बात जो उन्होंने कहा वो किया, आपको फायदा हो रहा है और राहुल गांधी को कोई फायदा नहीं हो रहा उनकी न्याय यात्रा का। लेकिन अतुल पाटिल हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले हम आपको वो सीट का हाल बता देते हैं जो पूछा गया था सवाल, फैजाबाद की क्या स्थिति है। शिव बताइए, फैजाबाद बहुत अहमियत रखती है ये सीट। जी अयोध्या, राम मंदिर, तमाम मुद्दे छाए रहे हैं। फैजाबाद में एनडीए आगे है, 56% वोट करीबन मिल रहा है, 28% इंडिया अलायंस को, बाकी 5.5% जो है वो अदर्स को, यहाँ पे 10% अभी भी अनडिसाइडेड वोट है। 10% जी, 10% अनडिवाइडेड वोट यहाँ पर है। और ये इसके बावजूद लल्लू सिंह जिनको बीजेपी ने टिकट दिया है, बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, फैजाबाद से वो यहाँ से आगे दिखती है। अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस से, अतुल लोंडे पाटिल जी 26 में से एक, स्कोर कुछ ज्यादा खराब नहीं है? पहले तो मैं नलिन जी के जवाब का उत्तर, सवाल का जवाब दे दूं कि इस देश में अगर कोई तोड़ने वाली शक्ति होगी तो वो मनुवादी शक्ति है और आरएसएस है। ये स्वाधीनता संग्राम से उनका इतिहास देश के खिलाफ काम करने का ही रहा है, तो पहले अपने इतिहास को दुरुस्त कर ले। और टुकड़े टुकड़े गैंग के विचार जो है उसके साथ नलिन कोहली जी बैठे है, इसमें कोई दोहराव नहीं है। अभी देखिए अलग अलग ओपिनियन पोल आ रहे हैं, 10% जो है वो जान नहीं पा रहे, कहीं 9% है। ऐसे महाराष्ट्र में भी पोल आए गौरव जी, वो सकाल का पोल आया, वो कहता है कि 43.5% वोट जो है वो महाविकास आघाड़ी को मिलेंगे और 42% एनडीए को मिलेंगे। फिर एक पोल एबीपी सीएसडीएस का आया, वो कहता है कि 20 सीटें महाविकास आघाड़ी को मिलेगी और 28 सीटें इसको महायुति को मिलेगी यानी एनडीए को मिलेगी। फिर एक इंडिया टुडे का पोल आया था, वो ये कहता था कि 38 महाविकास आघाड़ी को मिलेगा। तो ये कौन से ऐसे दैवी लोग है, ये कौन से ऐसे तेजस्वी लोग है जो मोदी जी के जो अंधभक्त है वही आपको फोन कर करके बता रहे हैं। अलग अलग ओपिनियन पोल आ रहे हैं, ये असुरी शक्ति है जो औरतों को मणिपुर में नंगा दौड़ा रहे हैं, वहां वॉल्स के पीछे खड़े हैं। या ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे जिसने महिला पहलवानों को रस्ते पर ला दिया, उन्होंने अपनी पद्मश्री रस्ते पर रख दी, किसानों के सामने किले ठोकने का काम इन्होंने किया है। ये असुरी शक्ति जो है देश में काम कर रही है, जिसके खिलाफ राहुल जी ने आवाज उठाया, तो आज देश के प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण को माफ नहीं कर पाएंगे। अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के पीछे खड़े रहे, हाथरस भूल गए, लखीमपुर खीरी भूल गए, उन्नाव भूल गए, इनके लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से एक बात निकली।